हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। वेलकम टू द अनदर ऑनलाइन वीडियो ऑफ आरसे एजुकेशन अबांसु। लेट्स कंटिन्यू चैप्टर फोटोसिंथेसिस पार्ट नंबर 5। इन दिस वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेजेस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। सो बिफोर दैट ऑल्सो वी वर डिस्कस्ड अबाउट द स्टेप्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, दैट इट इज टेक्स पार्ट इन टू स्टेप्स। ओके, वन इज लाइट रिएक्शन, अनदर इज डार्क रिएक्शन। सो हियर लेट डिस्कस अबाउट द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइट एंड डार्क रिएक्शन हियर। सो लेट्स डिस्कस, बिफोर दैट वी ऑल्सो स्टडीड व्हाट हैपन। ओके, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड सो हियर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हाट हैपन। फर्स्ट, एनर्जी अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सनलाइट एंड दैट एनर्जी यूटिलाइज्ड इन द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। सो हियर व्हेन वाटर गेट फोटोलाइज्ड व्हाट हैपन, इट रिलीज ऑक्सीजन, प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टैंड, and that energy is later on used in the formation of ATP and NADPH which are stored. Okay, these ATP and NADPH utilized in the dark reaction, because this reaction do not need light. So what it can do, it utilize the energy which is generated during the light reaction. So ATP and NADPH to used during the Kelvin Benson cycle, which we discuss later on in detail about the Kelvin Benson cycle, and later on ADP, NAD and phosphate are released. So here it is clear to you that the energy which is produced during the light reaction, because what happens, sunlight absorbed, okay, through the chlorophyll or accessory pigment, that energy utilized in the photolysis of water, understand, and electron, proton and oxygen released in this process. When these electron move through the photophosphorylation, okay, cyclic or non-cyclic circulation, they release ATP and NADPH which is utilized due to the dark reaction, and again they produced ATP, NAD and phosphate. So now let's discuss in detail about the light reaction. Light reaction, it is consist of only 4 steps. 1. Light reaction. 1. Absorption of light and excitement of chlorophyll molecules. देखिए, नाम से पता लग रहा है कि लाइट रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो होगा क्या यहाँ पे, देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, यानी जो नॉर्मल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, इज दैट क्लियर, नॉर्मल जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो फोटोन, यानी क्वांटोजोम्स आपको बताए थे थैलेकोइड के अंदर होते हैं, फोटोन होते हैं, ओके, विच कंटेन्स द एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये फोटोन के साथ कंबाइन करेगा नॉर्मल क्लोरोफिल और एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, क्लियर है। फॉर सम टाइम इट इज मूव इन टू द एक्साइटेड स्टेट। सेकंड स्टेप क्या होगा, ये जो एनर्जी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में आई है, दैट इज यूटिलाइज्ड इन द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। किसमें यूटिलाइज करेंगे उसको, उस एनर्जी को, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी वाटर की स्प्लिटिंग होगी, ओके। और जो वाटर की स्प्लिटिंग होगी तो क्या रिमूव होगा, ऑक्सीजन। तो ये देखिए रिएक्शन से, यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग हो रही है, मैग्नीज और क्लोरीन आयन भी इसमें काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ओके। तो जब दो वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो यहाँ पे 4 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, इज इट क्लियर। यानी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होगी तो 2 प्रोटॉन, ओके, 2 इलेक्ट्रॉन एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होगा, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, तो 4 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि कुछ बुक्स में ये भी दे रखा है, कुछ में ये, बट आप उसको मेन समझ लीजिए कि एक मॉलिक्यूल अगर डिसोसिएट होगा तो 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, और अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर स्प्लिट होंगे तो 4 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होगा। अब देखे होगा क्या, अब फॉर्मेशन ऑफ NADPH और H पॉजिटिव, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, अंडरस्टैंड और नॉट, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू मूव करेंगे और NADPH H पॉजिटिव का फॉर्मेशन होगा, इज इट क्लियर। किसका फॉर्मेशन होगा, NADPH H पॉजिटिव का फॉर्मेशन होगा प्रोटोन से, क्लियर है, सॉरी इलेक्ट्रॉन का हम लेटर ऑन देखेंगे, प्रोटॉन ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 प्रोटॉन यूज हो रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP K
के साथ अगर प्रोटॉन ऐड होंगे 4, तो क्या बनेगा? एम ए डी पी एच प्लस एच एक मॉलिक्यूल और एम ए डी पी एच प्लस एच, ठीक है। यानी देखिए, आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि जब दो मॉलिक्यूल वाटर के स्प्लिटिंग अप हो रहे हैं, दो मॉलिक्यूल पानी के टूट रहे हैं, तो क्या मिल रहा है? 4 प्रोटॉन्स मिल रहे हैं। और 4 प्रोटॉन्स कितने एनएडीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स, क्लियर है? क्योंकि एक एनएडीपी को एनएडीपीएच प्लस एच पॉजिटिव बनने के लिए 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे 4 जो प्रोटॉन रिलीज हो रहे हैं वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीपीएच प्लस एच पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहे हैं, अंडरस्टैंड? तो ये तो हो गया प्रोटॉन का यूटिलाइजेशन। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के थ्रू क्या करेंगे? रोटेट करेंगे इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के थ्रू, और किसकी फॉर्मेशन होगी? एटीपी की फॉर्मेशन होगी। इज दैट क्लियर? तो ये थे लाइट रिएक्शन के स्टेप्स। आपको ये तो पता लग गया कि लाइट रिएक्शन में जो भी एनर्जी फॉर्म हो रही है, एटीपी है या एनएडीपीएच प्लस एच पॉजिटिव है, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? डार्क रिएक्शन में हो रहा है। तो ये लाइट रिएक्शन के स्टेप्स हैं। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होती है लाइट एनर्जी की क्लोरोफिल, नॉर्मल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के थ्रू। वो क्या हो जाता है? एक्साइटेड हो जाते हैं। उसकी एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होती है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर में यूज होती है। जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर स्प्लिट होते हैं तो कितने प्रोटॉन? 4 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फिर फॉर्मेशन ऑफ एनएडीपीएच कैसे होगी? जब ये 4 प्रोटॉन ऐड होंगे एनएडीपी के साथ, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीपीएच प्लस एच पॉजिटिव की फॉर्मेशन होगी। कुछ में वैसे इनको एनएडीपीएच2 भी बोल देते हैं, अंडरस्टैंड? लेकिन सही फॉर्म यही है, एच प्लस एच पॉजिटिव। और फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स के थ्रू 2 फोटो सिस्टम के बीच में, और इससे क्या होगा? एटीपी की फॉर्मेशन होगी, जिसको लेटर ऑन यूटिलाइज किया जाएगा डार्क रिएक्शन में। ओके बेटा, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, हैव ए गुड डे, बाय।